नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। NIOS DLED को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। NCT ने अब प्राथमिक के लिए NIOS के थ्रू DLED करने वाले कैंडिडेट्स को मान्य कर दिया है और इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में NCT अब जो अभ्यर्थियों ने NIOS के थ्रू DLED कर रखा है उन्हें भी प्राथमिक में मौका देगी और आने वाली भर्तियों में अब NIOS के थ्रू DLED करने के बाद कैंडिडेट्स TET पास करेंगे और बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करेंगे। और ये NCT ने चूंकि जारी किया है, इसलिए समस्त राज्यों में अब यह नियम प्रभावी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए जो रेगुलर BTC कर रहे हैं या BEd कर रखे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सचेत हो जाने की बात है, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाएगा। अब इस आदेश के बाद लाखों अभ्यर्थी फिर से कंपटीशन में आ जाएंगे, नए कैंडिडेट्स। हालांकि रेगुलर BTC करने वालों के पास फिर भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है। मतलब वो कहने का मतलब यह है कि मतलब स्टडी में रहे हैं लगातार से, तो उनके पास एडवांटेज तो है ही। NIOS से DLED करने वाले बहुत से ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब एक नया चीज़ आ गया है आपके सामने। NIOS के थ्रू DLED करने के बाद यहाँ अभ्यर्थी अब बेसिक में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो सकता है, क्योंकि NCT ने ऐसा आदेश दिया है। और अब फिलहाल के लिए अब आप तैयार हो जाइए। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द लगभग 51,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए भर्ती के लिए राज्य सरकार आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात कही गई है। यही महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि अब NCT ने NIOS DLED को प्राथमिक के लिए मान्य कर दिया है। तो मिलते हैं फिर कुछ और सूचनाओं के साथ। गुड बाय।